वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिकल विद द बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो लास्ट वीडियो पे मैंने बात किया था सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में, वो सारा चीज मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और मैं यूज करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3, तो मैं इसका डाउनलोड लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू माई एडिटर नाउ। ओके, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एक फाइल क्रिएट करना है। यहाँ पे फाइल पे जाके फाइल क्रिएट करना है, एक न्यू फाइल बनानी है। ओके, सो हम लोग न्यू फाइल बनाने के बाद हमें, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा फाइल का नेम नहीं है, अनटाइटल्ड है। सो इस नेम को चेंज करना होगा, तो जिसके लिए मुझे सेव करना होगा अपने फाइल को। सो मैं कंट्रोल प्लस एस या यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ फाइल, और कोई भी एक फोल्डर चूज कर लेना है। और फिर वहाँ पे आप कुछ भी नाम डालिए और उसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे देख लो one.html फाइल नेम रख रहा हूँ, सबसे पहला प्रैक्टिकल है, तो सो मैंने one.html रखा और मैंने इसे सेव कर दिया। अब गाइज मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट में html लिखता हूँ, तो इसका एडवांटेज ये है कि सिंपली html लिखने से तो पूरा मेरा जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइटल सेट कर रहा हूँ एज माई फर्स्ट html करके मैं अपना टाइटल सेट कर दिया टाइटल टैग्स के अंदर। सो गाइज ये देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। सो ये डॉक टाइप html जो है वो डिटरमाइन करता है कि मेरा जो html डॉक्यूमेंट का वर्जन है वो मेरा html 5 वर्जन है। html इज माय रूट एलिमेंट। फिर मैंने हेड टैग को ओपन किया है, हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल्स यूज किया जहाँ पे मैंने माय फर्स्ट टाइटल लिखा है। और लास्ट में तुम देखो सारे क्लोजिंग टैग्स है, जितने भी टैग्स खुले हुए हैं सारे को मैंने क्लोज कर दिया। ओके, सो अब बात करेंगे कि यहाँ पे हेडर्स के बारे में। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हेडर्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर जनरली 6 हेडर्स, 6 हेडर्स होते हैं हम लोग के पास, जो H1 से लेके H6 होता है, राइट? सो यू डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हेडर्स होती है। सबसे H1 होता है, H2 होता है, फिर H3 होता है, फिर H4 होते हैं, फिर H5 होती है, एंड लास्ट द सबसे छोटा जो है वो मेरा H6 हेडिंग है। सो आप गाइज अपना वेब पेज पे हेडर्स देना चाहते हो तो H1 या H6 टैग्स के बीच कोई भी टैग्स यूज करके आप कर सकते हो। सो H1 टैग्स इज बेसिकली इज माय हाईएस्ट और द बिगेस्ट, नॉट हाईएस्ट, इट इज द बिगेस्ट हेडर। ओके, इन साइज सबसे बड़ा साइज का जो हेडिंग है वो H1 टैग हमें प्रोवाइड करती है, और H6 जो होती है वो हमें सबसे लीस्ट साइज की टैग को प्रोवाइड करती है, और बीच में जो भी H2 H3 है वो सारे एज अकॉर्डिंग डिक्रीज होते जाते हैं जिस तरह से हम लोग H6 के तरफ मूव करते हैं। सो सबसे बड़ा मेरा H1 एंड लास्ट इज माय H6। सो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे एक हेडर डाल रहा हूँ, लाइक H1 हेडर। H1 हेडर से मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ, लाइक वेलकम आई एम द बिगेस्ट हेडर, ऐसा करके कुछ मैं लिख सकता हूँ, या आई एम अ हेडर ऑफ द वेब पेज, ऐसा लिख ले रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल लिया अपने टैग्स के बीच में, और मैं इसे अब सेव करूंगा। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो या कंट्रोल प्लस एस, और फिर यहाँ पे वो फाइल HTML का खुलना है। और ये देखिए, ये मेरा रन हो गया फाइल। सो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल हेडर आ चुका है, वेलकम आई एम द हेडर ऑफ द वेब पेज। सो अब मूव करता हूँ, और मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना टाइटल सेट किया है, तो उस टाइटल का नेम जो है वो मेरा माय फर्स्ट HTML शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं, मैं एक दूसरा हेडर लेना चाहता हूँ, लाइक माई H6 हेडर। वहां पे भी मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, लाइक हेलो आई एम द स्मॉलेस्ट हेडर, ऐसा मैं एक कंटेंट डाल रहा हूँ इस हेडर के बीच में, और ये सबसे मेरा लीस्ट हेडर होगा। मैं इसे सेव करूंगा और मैं चेक करके रन करके शो कराता हूँ, तो ये देखो ये सबसे छोटा हेडर मेरा यहाँ पे बन गया है। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द H1 हेडर एंड H6 हेडर। ओके, सो अब बात करेंगे हम लोग गाइज बोल्ड के बारे में। सो मैं अगर तुम अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो, या कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, लाइक एडुकोड विथ SK टीचर्स, कुछ भी मैं कंटेंट ले रहा हूँ, और इसको मैं अगर बोल्ड फेस दिखाना चाहता हूँ, बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, या मेरे फॉन्ट पे थोड़ा वेट ऐड हो जाए, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसे मैं सेव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ, यू कैन सी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो गया, या मेरा जो फॉन्ट का वेट है उसमें थोड़ा बोल्डनेस आ गई है। ओके, सो अब मैं बात करूंगा इटैलिक के बारे में। सो इटैलिक टेक्स्ट अगर तुम्हें प्रोवाइड करना है, तो सिंपली मुझे टैग यूज करना होगा आई टैग। आई टैग बेसिकली गिव्स अस द इटैलिक फॉर्म ऑफ अवर टेक्स्ट। अगर तुम
थोड़ा इटैलिक स्टाइल चेंज करना चाहते हो अपना टेक्स्ट का, तो इटैलिक यूज कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक सा टैग है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था। अगर तुमने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो एग्जैक्टली मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कि एक्चुअली एचटीएमएल होता क्या है। सो जाके मैं अपने यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां जाके तुम चेक कर लेना। एंड सी यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा जो इटैलिक टेक्स्ट है, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द बोल्ड एंड द इटैलिक। सो इस तरह से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को जो भी हम लोग लिख रहे हैं। ओके, सो अब मैं बात करूंगा सेंटर टैग के बारे में। सो सेंटर इज बेसिकली जो भी मैं लिखना चाहता हूं अपने टेक्स्ट में। ओके, सो वो टेक्स्ट को क्या करेगा, वो सेंटराइज्ड कर देगा, उसका जो लोकेशन होगा प्लेस होने का वो एकदम बीचो बीच हो जाएगा मेरे वेब पेज के। सो मैं ये करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ सेंटर टैग के अंदर, सिंपली मुझे सेंटर लिखना है, उसके अंदर मैं एक टैग ले रहा हूँ लाइक आई एम अ पैराग्राफ located in this। so you can see मैं run जब करता हूँ तो जो मेरा paragraph या जो भी मेरा text है वो बीचो बीच मेरे web page के available हो गई। okay, so अब मैं बात करूँगा lists के बारे में। so basically lists are of two forms, one is an ordered and another one जो दूसरा form है वो है unordered का। एक होती है हमारी ordering होगी 1 2 3 4 5 6 है, and एक unordered है जहाँ पे हम लोग कोई ordering नहीं है, उसको हम लोग represent करेंगे bullets से। So, मैं यहाँ पे एक ordered list लेके दिखाऊंगा। So, सबसे पहले मेरे को OL लिखना होगा, OL का टैग यूज करने होगी और उस टैग्स के अंदर मुझे डेटास पास करने होंगे। So, डेटास पास करने के लिए मेरे को और एक टैग की जरूरत है जो है li टैग। li टैग इज बेसिकली यूज टू क्रिएट द डेटास इनसाइड द क्रिएट द लिस्ट्स। क्रिएट हमें क्रिएट करना है लिस्ट को, उसके लिए वो जो डेटा पास करेंगे वो li के अंदर पास करेंगे। सो li इज बेसिकली यूज फॉर माई लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे देखो 1, 2 and 3 ऐसे करके मैं इसे लिख दिया हूँ और यहाँ पे मैं अभी रन करूंगा। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि मेरा एक लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। तो एज इट इज मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं किया 1, 2, 3 करके, एक्चुअली मैं ये 1, 2, 3 तुम देखो साइट पे हमारे शो हो रही है। अगर यही चीज मैं अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ करूंगा तो यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं रहेगी, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी जो हमारे बुलेट्स की यूज करके, बुलेट्स का यूज करके ये रन करेंगे तो देखेंगे। सो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसे बस मैं चेंज कर दूंगा OL एंड UL, O को चेंज कर दूंगा रिप्लेस UL। सो अब मैं रन करता हूँ तो सी द डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम कंटेंट है 1, 2, 3 बट नाउ इट इज इन द बुलेट फॉर्म। ये जो फॉर्म हो गया मेरा बुलेट, सो पहले था मेरा 1, 2, 3, यू कैन सी इट वॉज माई ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डरिंग था एक्चुअली में 1, 2, 3। अब मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखो यहाँ बुलेट्स है, यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा अब जो मेरा दोनों कोड है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। मेरा जो बोल्ड फेस था और इटैलिक फेस था उसके बीच में मैं एक स्पेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, विच कैन बी डन विथ माई बी आर टैग। मैं बी आर टैग का यूज करके एक एक्स्ट्रा स्पेस या मैं दोनों टेक्स्ट के बीच या दोनों टैग्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ या एक स्पेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक वाइट स्पेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो सिंपल जो भी मेरा टैग है, मैं अपना जो मेरा बोल्ड टेक्स्ट था उसके बाद में मैं एक टैग यूज करूंगा सिंपली वाई बी आर। सो बी आर का टैग यूज करूंगा और मैं अगर इसे रन करता हूँ और चेक करवाता हूँ कि देखो क्या डिफरेंस होगा। सो अब मेरा जो टेक्स्ट है मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो सी यू कैन सी जो मेरी टेक्स्ट हो गई है नेक्स्ट लाइन पे हो गई है, एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया है। ओके, विद द बीआर टैग। सो नाउ अब बात करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। सो अगर तुमको कोई एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन प्रोवाइड करना है तुम्हारे कोई भी हेडिंग के बीच में या टेक्स्ट के बीच में, मैं यहाँ पे हेडर पे प्रेस कर रहा हूँ। जैसे एचआर टैग का यूज करके मैंने अपना जो हेडर था उसके बाद में एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड किया हूँ। सो इस तरह से भी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए वैसे सिंपल लाइंस दे सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर एनी हेडिंग्स और एनी एलिमेंट्स। ओके, सो अब मैं यूज करूंगा एक पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के लिए मुझे पी टैग्स की यूज करनी होगी और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, जैसे हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ और सिंपल मैं अपने इंटरनेट से भी कुछ पैराग्राफ्स उठा सकता हूँ। सो मैं लॉरम इप्सम करूंगा यहाँ पे टाइप। लॉरम इप्सम व्हाट इट डज, ये एक कोई भी मीनिंगलेस रहता है, कोई मीनिंग नहीं रहती है, बस ऐसे पैराग्राफ्स बने रहते हैं। तो यहाँ पे तुम प्रैक्टिस के लिए आराम से यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने ये जो मेरा पैराग्राफ है लॉरम इप्सम करके, और मैं अब इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा देखो एक अच्छा खासा पैराग्राफ बन गया। ओके, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ थोड़ा स्पेस। अब क्या करना है मुझे, सेव करना है और मैं देखो कि तुम ऐसे पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो। सो या माय पैराग्राफ इज रेडी नाउ, यू कैन सी द नाइस पैराग्राफ। ऐसे इस तरह से हम लोग पैराग्राफ देते हैं। ओके,
सो अब मैं बात करूंगा इमेज टैग्स के बारे में. सो अगर तुम्हें इमेज इंसर्ट करना है, ओके द बेसिक इट इज अ बेसिक एलिमेंट, इमेज ऐड करना है, तो एक तुम्हारा हो जाएगा सोर्स एट्रीब्यूट्स. सो द सोर्स एट्रीब्यूट इज बेसिकली कौन सा इमेज तुम लेना चाहते हो. अगर इंटरनेट से लेना चाहते हो, जस्ट लाइक मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और कोई भी एक ऐसा बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं, राइट. सो ये बैकग्राउंड मैंने लिया, और उसे क्या करना है, तुम्हें बस सिंपली वहां जाके कोई भी एक पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके उसका एड्रेस को कॉपी करना. उस एड्रेस को कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, और जहां पे सोर्स का एट्रीब्यूट है तुम्हारे इमेज टैग के अंदर, वहां उसे पेस्ट कर दो. सो बेसिकली वो जो सोर्स एड्रेस है वो उसे कॉल करके यहाँ पे तुम्हारा वेब पेज पे इंसर्ट कर देगा वो पेज को, ओके. और दूसरे भी है, लेकिन वो मैं बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि दूसरा अगर तुम्हारे फाइल फोल्डर से करना है तो वो भी तुम कर सकते हो, ओके. अब बात करूंगा मैं लिंक ऐड करने का. अगर तुम अपने वेब पेज पे लिंक्स ऐड करना चाहते हो तो सिंपली तुम्हें ए टैग्स की यूज करनी होगी, और ए टैग्स करके वो एच रेफ करके, हाइपर रेफ करके एक एट्रीब्यूट होती है जहां पे तुम्हें उस पेज का एड्रेस देना है. जैसे मैं यहाँ पे सिंपल गूगल को ऐड कर रहा हूँ, गूगल की साइट को ऐड कर रहा हूँ, राइट. सो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, और इसे देखो एक लिंक क्रिएट हो गई है, और ये लिंक मेरा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ बेसिक वन रीजन. द रीजन इज दैट कि मैंने जो वहां पे एड्रेस लिखा है वहां पे HTTPS नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. सो सिंपल मुझे HTTPS ऐड कर देना है, कोलन और डबल ये. अब देखो यहाँ क्लिक हियर टू गो टू गूगल, तो वो मेरा टेक्स्ट हो गया, जहां पे मैं क्लिक करूंगा तो वैसा टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे अगर क्लिक किया तो मैं मेरा गूगल पे रेफर हो गया पेज. सो इस तरह से आप कोई भी लिंक्स को ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज के थ्रू विद द यूज ऑफ हाइपर href attribute and the a tags. Okay guys, so हमने सबने बात कर लिया headers के बारे में, bold, italics, center, और फिर how to add paragraphs, how to add images, how to add links. So video अगर पसंद आया तो जरूर एक like कर देना, and मेरे next video का और मेरे next video को जरूर देखना. उसमें मैं कुछ नए tags के बारे में बताऊंगा, और उसमें सारे tags होंगे जो HTML में होने चाहिए. So all the tags will be presented on my next video. So keep watching the entire playlist, and मैं definitely guarantee दे रहा हूँ कि तुम ये पूरे playlist अगर देख लिए तो तुम जरूर एक HTML या front end web developer बन जाओगे. Okay, video अगर पसंद आया तो एक like कर देना, और subscribe नहीं किया हो मेरे channel पे पहली बार है तो जरूर subscribe कर देना, और जय हिंद. Okay, see you in the next video. Bye.